देखिए गुजारा, जब हमने बनाना स्टार्ट किया था तो सबसे पहले हमारा दिमाग में एक कॉन्सेप्ट था आर्मी को लेकर के, हमारे डिफेंस फोर्सेस को लेकर के। तो ये गाना जो है ये भी डिफेंस फोर्सेस को लेकर के ही है। इसमें एंड में हमने यही दिखाया है कि हमारी जो ऑफिसर्स की और हमारे जो जवान्स की जो वाइफ होती हैं, आर्मी मेंस की जो वाइफ्स होती हैं, वो किस नज़रिए से रहती हैं और उनकी व्यथा क्या होती है जब वो बॉर्डर पे या अपने देश की किसी भी ड्यूटी पे जाते हैं, तो उनकी क्या व्यथा रहती है। तो जब गुजारा हमने स्टार्ट किया था तो सबसे पहली बात यही थी। गाने की शूटिंग हमारी 3 दिन में कंप्लीट हुई है, हमारे खपोली में हुई है, हमारे माथेरन में हुई है, मलाड में हुई है और कुछ कुछ लोकेशंस और हैं जहाँ पे हमने छोटे छोटे उसके वाइट्स लिए हैं। सर जैसे आपने देखिए ये इसमें मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा बिकॉज ये आर्मी का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम किसी पर्सनल लेवल से मिलती हैं कि यार ऐसा हुआ था हमारे साथ हमारे साथ, तो किसी का नाम तो नहीं लेंगे, बट हाँ मुझे कुछ जो आर्मी पर्सन्स थे उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा हुआ, हमारे कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ ऐसा भी हुआ। तो जब ये सब सुनता था तो मुझे लगता था कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लोगों से सुन करके एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बन गया। बट हाँ ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली एक डेडिकेटेड किसी की तरफ जाता ही है, वो सबको जानते ही हैं, बट उनका मैं नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा। बहुत मज़ेदार रहा, हमारे जो एक्टर हैं गाने में उन्होंने बहुत खूबी से बहुत ही अच्छी तरह से इसको निभाया है। हमारा जो मेरा छोटा भाई है करण, जिन्होंने म्यूज़िक किया है, लिरिक्स किए हैं और कंपोजिशन की है, ऊपर से हमें टी सीरीज़ ने बहुत सपोर्ट किया इस गाने को लेकर के, थैंक यू टी सीरीज़। गाना है आई थिंक आपने तो अभी तक सुना नहीं है बिकॉज अभी जस्ट लॉन्च हुआ है, तो आपको बहुत पसंद आएगा, आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा जब आप एक गाना सुनेंगे कि एक आर्मी प्लस अ लव स्टोरी प्लस अ सैड स्टोरी कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस सॉन्ग। बहुत लंबा स्ट्रगल है, मैं 2012 से कंटिन्यूस म्यूजिक बना रहा हूँ, लोगों को सुना रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा था, तो फाइनली ये हुआ। इसके लिए इसके पीछे ये कहानी है कि मैं मर्चेंट नेवी में हूँ बेसिकली, तो आई वर्क विद अ कंपनी कॉल्ड फ्लीट मैनेजमेंट, हांगकॉन्ग बेस्ड कंपनी है, तो वो लोग दे मेक मी सेल उनके शिप्स पे। तो ये गाना मैंने अटलांटिक ओशन में बनाया था, तो वहाँ पे क्या है, सुकून है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, रिक्शा का आवाज़ नहीं है, तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो वो एक ऐसी जगह है जिधर तुम अपने आप को टाइम दे सकते हो, तो वहाँ पे फ्री माइंड है, सोचने के लिए बहुत वक्त है, और वही मैंने यूटिलाइज़ किया और गाने को बनाया मैंने। कैसा है? दादाजी भी ऐसे थोड़े छोटे मोटे म्यूजिशियन ही थे, तो बचपन से ही कीड़ा था म्यूज़िक का, और प्लस मैं मुंबई आ गया था बहुत पहले, तो इन्हीं सब लोगों में मैं पला बड़ा म्यूज़िक वाले में, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता गया धीरे धीरे। एंड इन 2011 और 12 मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे म्यूज़िक में जाना चाहिए, तो आई एंटर्ड स्लोली सीखता गया, यूट्यूब ने बहुत हेल्प की, आई एम सेल्फ लर्नर, किसी ने सिखाया नहीं है मुझे, तो जो है खुद से ही है, और सीखता गया और आज ये दिन आ गया कि टी सीरीज से गाना मेरा फर्स्ट गाना रिलीज़ हो रहा है। Music video. It's based on the life of a military man, of a raw person who works for raw. And the character I'm playing is the wife of the guy who works for raw. So I'm gonna say like ये जो song है ये बहुत ही soulful, बहुत ही musical and बहुत ही touchy है. I think it's very touchy for all the audience, for all the soldier people out there, जो भी देश के लिए काम करते हैं, अपना लाइफ देते हैं लिटरली, तो या लाइक लाइफ कैसे गुजरते हैं फैमिली की, उन लोगों के लाइक उन लोगों की फैमिली जो होते हैं उनके लाइफ कैसे गुजरते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो दैट्स गुजारा कि प्रिपरेशन कुछ खास नहीं था, आई वाज जस्ट टोल्ड टू लाइक
तुम ये समझो तुम्हारा हस्बैंड लाइक रॉ में है तो तुम्हें कैसे बिहेव करना चाहिए. लाइक यू नो के आई हैव टू सेक्रीफाइस लाइक माई पर्सनल लाइफ फॉर माई हस्बैंड फॉर द कंट्री. सो या दैट्स इट. How was your experience working with Guzara? That was amazing. Amazing team, amazing people, Varmiza, amazing singer, and the lyrics, composing, brilliant. Any upcoming projects you'd like to share? Yeah, yeah. I'm working for an Amazon Prime web series called Nasha. Yeah, the second lead, and many more. It was very good. Like you heard the song, the song was very good. And it just got that, wo emotionally bhi aapko hit karta hai right jagah pe. And message bhi acha hai, deshbhakti ka gana bhi hai, family ka love bhi hai. So I think all these things, and they have done a great job. I mean, aapne to suna hi hai gana, to gana banaya bhi acha hai, likha bhi acha hai, nice, and even shoot bhi acha hua hai. So well done guys, really. And inka wo, I think this is your first song, right? Yeah, first song. So pehla gana itna acha bana diya, that's like really, these guys are talented now. तो आई थिंक हम लोग को ये इनका जो आगे का वॉच आउट करना चाहिए. व्हाट विल दे मेक नेक्स्ट एंड इट्स यू नो उन्होंने ऑलरेडी बार बहुत हाई कर रखी है. हमने कुछ आर्मी वाले सीन तो कुछ शूट नहीं किए. बेसिक वो जो शूटिंग के टाइम स्ट्रगल होता है कि यू नो वर्किंग फॉर मोर आवर्स दैट ओवर टाइम दैट वाज द स्टफ दैट्स इट. बाकी चैलेंजेस तो कुछ नहीं थे राइट. शूटिंग में सारे मेरे दोनों और शूट के बाद कर शूट के बाद इशू तो होता ही था. शूट कहाँ पे हुआ था? शूट हुआ था हम लोगों का वो जहाँ पे ये मैजिका है ना. मैजिका खंडाला खपोली खपोली है. सो वहाँ पे एक अंदर हम लोग कहीं किसी फार्म हाउस नाइस लोकेशन एक्चुअली व्हेन यू कैन सी वो वाटर बॉडी वाज आल्सो देयर.